एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि ऊपर से महिलाओं को हाथ में मटका लिए मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इनके साथ छोटे बच्चे भी शामिल है। ऐसी क्या दिक्कत ये झेल रहे भवानी खेड़ा के बलियाली में रहने वाले लोग, देखिए रिपोर्ट। पिछले 3 महीनों से गांव के लोग बड़े ही परेशान हो रखे हैं। पूरे के पूरे गांव में कहीं पर तो पानी छोड़ दिया जाता है और कहीं पर नहीं छोड़ा जाता। हमारी जो ये गढ़ी पाना बस्ती है, इसमें आधी बस्ती में पानी आ जाता है और आधी बस्ती वैसे ही रह जाती है। ये जो हाथ में मटका लिए धूप में खड़ी महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, ये भवानी खेड़ा के बलियाली की रहने वाली हैं और यहाँ के लोग इन दिनों पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। पेयजल समस्या इतनी बढ़ गई है कि मजबूरा नाजुन महिलाओं को मटका प्रदर्शन करना पड़ा है। आदमी तो चले जाए काम धंधा, लुगाई सब बदन लग गिरे हैं, बड़का में कोई बीमार भी हो रही है। इस लाइन का पानी का कोई समाधान होना चाहिए, कोई सुनाई नहीं हो रही। रोज थोड़े रखा तो लाइन पाट गई, इस मारी मारी गाल की किस तरह पाट गया और सब और कौन पाट दी जमा भी की नहीं पाट रही। और इस गली में पानी आंदा नहीं, खबर पानी आया है जेठ का महीना में किस तरह काम चला है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 3 महीने से यहाँ के लोग पेयजल किल्लत से परेशान हैं। पानी की दिक्कतों का सामना करने वाली महिलाओं का कहना है कि कहीं पर तो पानी की सप्लाई समय पर की जाती है तो कहीं कर्मचारी मनमानी करते हैं। पिछले 3 महीनों से गांव के लोग परेशान हो रखे हैं। पूरे के पूरे गांव में कहीं पर तो पानी छोड़ दिया जाता है और कहीं पर नहीं छोड़ा जाता। हमारी जो ये गढ़ी पाना बस्ती है, इसमें आधी बस्ती में पानी आ जाता है और आधी बस्ती वैसे ही रह जाती है। पानी की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन शिकायत के बावजूद भी इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। घरों की महिलाओं को घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए पानी दूर से लाना पड़ता है। प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं की मांग है कि बस्ती में सप्ताह में 2 बार पेयजल सप्लाई की जाए ताकि बस्ती के लोगों की दिक्कतें कम हो सके। भवानी खेड़ा से हर खबर के लिए संजय कौशिक की रिपोर्ट।